लेकिन ये बताएं इन 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 बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं है कि क्या ये अगर इतना मेगा टूर्नामेंट हो रहा हो तो क्या मुमकिन नहीं होता पहले से अंदाजा लगाना कि इतने मैचेस मुतासर हो जाएंगे? आजकल तो एक क्लिक पे सारी चीजों का अंदाजा रहता है। वसीम भाई होता है इंग्लैंड में स्पेशली, बाहर मुल्कों में ज्यादा होता है। हाँ। और जब ये टूर्नामेंट रखा जाता है तो आईसीसी हर डेट का वेदर रिपोर्ट भी देखता है। जैसे क्या हो रहा है, फवाद चौधरी साहब ने कहा था 2 साल बाद जो चांद होगा ना, तो ये उसी तरह मौसम देख के बकायदा वर्ल्ड कप का इवेंट। क्यों ऐसा हो रहा है ये अल्लाह ताला के काम है। अच्छा, आप कह रहे हैं कोशिश पूरी की, लेकिन कोशिश पूरी करी लेकिन अल्लाह ताला के काम में हम बीच। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर के हवाले से कौन सी कंट्रोवर्सी गर्दिश कर रही है, जरा एक पैकेज की सूरत में देखते हैं। बॉल मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर बार बार एडल, मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई, जैकिन के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी से सवालात। कप्तान एरन फिंच जैम्पा की हिमायत में कूद पड़े, कहते हैं उन्होंने तस्वीर नहीं देखी इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन जैम्पा हर मैच में हैंड वार्मर इस्तेमाल करते हैं। सीधा मामला है या राई का पहाड़ बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीधा मामला नहीं, ये हैंड वार्मर है। ये ऐसी मीडिया ने एक इशू बना दिया, ये मीडिया नहीं, एक्चुअली आप ये देखे ना, अभी एक इंसिडेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में, उनके दो या तीन मेन प्लेयर पे साल की पाबंदी लगी थी, तो अभी तो इसको जुम्मा 8 दिन हुए इस बच्चे को, तो ये ऐसी हरकत करेगा कि इतने सारे हमारे यहाँ जो जिनको जुम्मा 8 दिन हुए थे उन्होंने इतना बड़ा नो बॉल कराया था, इतना बड़ा वो तो हो गया, जुम्मा 8 दिन ही हुए थे, छोटे थे वो बच्चे, सर वो 8 दिन ही हुए थे ना जुम्मा करा गया, इतनी नो बॉल करा गया वो। उसमें कुछ और चीज मिली थी, इसमें पाबंदी है, पाबंदी हालांकि उसमें भी थी लेकिन नो बॉल की कुछ और चीज भी मिली थी। देखिये अभी देखिये मेरा जो व्यू था वो डिफरेंट था। वो क्या है? मेरा ये था कि इसने कोशिश की होगी बॉल टेम्परिंग करने आपको की, आपको लगता है? क्योंकि उसने जब पॉकेट से हाथ निकाला है तो अगर हैंड वार्मर होता है तो वो बॉल की तरफ आप नहीं लेके जाते, उसी वहीं से निकाल के हाथ को इसी तरह ही करते हैं। सही है, जो मुझे लगा, मैंने बोला ये करने की कोशिश कर। अगर ऐसा कुछ है अगर, तो क्या कप्तान की मर्जी के बगैर हो सकता है? नहीं नहीं, कप्तान को हर चीज़ का पता होता है, मैंने तो सुबह दोपहर में बात की, मैंने ड्रेसिंग रूम से पूरी मीटिंग में होता है किसने बॉल खराब करनी किसने बॉल खराब नहीं करनी। देखिए एक चीज ये, देखिए टीचर तो नहीं है, नहीं नहीं नहीं, इतने चारों तरफ कैमरे लगे हैं और ऐसी हरकत कर बैठे, 6 महीने के बच्चे को भी ला के खड़ा करेंगे ना, उसको भी कप्तान ने बोला होगा तुमने ये काम करना है। दूसरी चीज ये, अभी बासित भाई ने एक चीज बोली है कि 1 साल पहले साउथ अफ्रीका में ये हुआ वो खिलाड़ी था, और बासित भाई ने कल यहाँ बैठ के एक बात बोली थी कि वार्नर ने इंडिया के गेस्ट सही बैटिंग नहीं की, जानबूझ के नहीं की। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो कैसे कर सकता है फिर, क्योंकि वो तो अभी वापस आया, वो कैसे कर सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है बासित भाई, जवाब दे दूं, वार्नर साउथ अफ्रीका में क्या बैटिंग की वजह से पकड़ा गया था, बॉल टैंपरिंग की वजह से? बॉल टैंपरिंग की वजह से पकड़ा गया। कल क्या बॉल टैंपरिंग कर रहा था? नहीं, आपने तो ये बोला कि जानबूझ के अच्छा नहीं खेला, गंदी नहीं खेली है, खराब खेला है वो, खराब खेला है जानबूझ के। आईपीएल में इनको ह्यूज मनी मिलती है तो वो कैसे, उनका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा हो तो इसमें कोई पकड़ थोड़ी है? नहीं नहीं, पकड़ नहीं है उसमें, तो पकड़ हुई है बॉल टैंपरिंग में, तो पकड़ हुई है इसमें, तो कोई पकड़ ही नहीं हो सकती वसीम भाई, नहीं हो सकती। देखिए मिसबा कल यहाँ बैठे थे, मिसबा ने भी कहा कि मिसबा स्ट्रेंज खेला है, बहुत सेफ था, दुनिया ने देखा ना। देखिए मिसबा पकड़ तो हो सकती है उसमें, अगर वो जुमला आपने जो सुना कि वो बहुत स्ट्रेंज खेला, इसका क्या मतलब है? वो स्ट्रेंज खेला मिसबा भाई ने, सेफ खेला में। हाँ, देखिए अब मैं माफी के साथ, जिन्होंने मगरमच्छ में क्रिकेट, मगरमच्छों के साथ क्रिकेट खेली है ना, वो देख के बता देगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपके ख्याल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा? ठीक, मतलब बॉल टैंपिंग नहीं हो रही उसका, मैं वार्नर की बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं इसका कह रहा हूँ कि आपके ख्याल में ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए इंक्वायरी तो होगी ना, इंक्वायरी तो बैठेगी, चाहिए होनी चाहिए, इंक्वायरी तो बैठेगी, फिर देख लेंगे। दूसरी बात ये, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ वसीम भाई, और बोलता रहूंगा, वो क्या, जिन्होंने जो पुराने लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है वो ये मत समझे कि जो उनके बाद के लोग हैं उनको क्रिकेट का पता नहीं है।